अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 53 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आरईपी विलेन से रिलेटेड है। तो आज वाली वीडियो के अंदर हमने इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ताकि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं वो कवर हो सकें और एक बार सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, ताकि कोई भी मुश्किल ना आए आगे। तो चलिए ज़रा हम सर्किट को सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्किट के अंदर ऐसा क्या चीज़ है, इजी सर्किट है या थोड़ा हार्ड सर्किट है या कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले मैंने सर्किट देखना है। सर्किट देखने का तरीका ये है कि इस पॉइंट पर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, आर ए बी। तो इट्स मीन कि मुझे सवाल यहाँ से सॉल्व करना है। जब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, तो आपने सबसे पहले इस पॉइंट को देखना है कि एक रजिस्टर है, ये किसके साथ ज्वाइंट है, ये पॉइंट इन दो रजिस्टर के साथ ज्वाइंट है, बट सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो सिंपल मैंने देखा है, यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपना सर्किट को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर दो डेल्टा दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर कहा था कि हम ज़्यादातर डेल्टा टू वायर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो हमने यहाँ पर दोबारा वही करना है। ठीक है, तो सिंपल हमने यही काम करना है। अब यहाँ पर हम पहले नेमिंग दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास है नेम आ गए, तो ए बी, तो यहाँ पर कौन सा रजिस्टर नहीं है, थ्री। तो मैं इसको यहाँ पर थ्री लिख देता हूँ छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ए और सी है, इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर टू। और यहाँ पर मैं आर टू लिख देता हूँ टू, और जो ये बच गया है ये हमारे पास आ गया वन, ठीक है। तो चलिए अब ज़रा सर्किट को ड्रॉ करते हैं, देन अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, समीशन निकाल लेते हैं, जिसकी पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, देन हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो किस तरह करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आर ए, जो इनका फार्मूला है बेसिक का, बी प्लस आर सी बराबर किसके है, 10 प्लस 40 प्लस 50, ठीक है। तो ये बराबर है 100 के, तो ये मैंने निकाल लिया डिनोमिनेटर के लिए। अब मैं निकालूंगा यहाँ पर आर वन, तो आर वन किस तरह निकलेगा, बिल्कुल इजी है। आर वन को मतलब आर ए को एक्सक्लूड कर दे, बाकी आर टू और आर थ्री लेना है। जिसको फार्मूलाज याद होंगे वो काफ़ी इजीली ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा। देखेंगे, बिल्कुल इजी सवाल है, कैलकुलेटर की भी नीड नहीं पड़ती इन सवालों में। तो बिल्कुल इसी तरह आप आर टू निकालना, सिमिलरली आर टू मीन्स के आर बी एक्सक्लूड, तो 10 इंटू 50 डिवाइड बाय 10, तो ये मैंने 0 कट किए, सिंपल मेरे पास आ गया 5 ओम्स। अब बिल्कुल इसी तरह आर थ्री मीन्स के आर सी एक्सक्लूड, तो आर सी एक्सक्लूड मीन 50 एक्सक्लूड हो गया, तो 10 इंटू 40 अपॉन 10, सिंपल 4, ठीक है। तो अब चलिए अब ज़रा देखते हैं अपना सर्किट और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सर्किट मैंने नोट किया किस तरह बनाना है, एक रजिस्टर ये आ रहा है हमारे पास, देन एक लाइन और एक ही रजिस्टर, फिर हमने यहाँ पर की थी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में दिखा देता हूँ, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब सर्किट देख सकते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर था जो कि सीरीज के अंदर आ गया इस पॉइंट के अंदर, ठीक है, एंड यहाँ पर 30 एंड 60 आ गए और ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। तो चलिए वैल्यूज लिख लेते हैं, सिंपल 80 आ गए यहाँ पर,
एंड दिस इज 30, दिस इज 60, दिस इज 20 और ये हमारा आर इक्विवेलेंट था 20। और ये बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं। आर थ्री हमारे पास था 4 एंड आर टू हमारे पास है 5 और जो आर वन है ये हमारे पास है 20। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा जो 30 और ये 4 ओम्स हैं, ये 30 और ये 4 ओम्स है, ये सीरीज के अंदर है। बिल्कुल इसी तरह 60 और 5 ये किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। तो हमने सिंपल करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल नाम दे देता हूँ आर प्राइम का, जो कि है 30 प्लस 4 विच इज 34 ओम्स एंड आर डबल प्राइम 60 प्लस 5 विच इज 65 ओम्स। तो मेरे पास एक ये वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं सर्किट दोबारा रिड्रॉ करूँगा तो बिल्कुल सर्किट इसी तरह बनेगा, सिंपल सा एक लाइन लगा दी, देन यहाँ पर एक रजिस्टर प्लेस कर दिया, बिल्कुल यहाँ पर एक रजिस्टर प्लेस। इस पॉइंट को मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि मेरी जो ये पॉइंट है इन दोनों रजिस्टर के साथ सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाकर रजिस्टर को यहीं बना लेता हूँ। डिपेंड करता है कि आप रजिस्टर कहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो ये 20, ये 34 एंड दिस इज 65 एंड दिस इज 80। तो सबसे पहले हमने 34 और 65 को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ आर ट्रिपल प्राइम का, तो ये 34 इंटू 65 अपॉन 65 प्लस 34। तो कैलकुलेटर में पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 34 इंटू 65 एंड डिवाइड के अंदर ये फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, तो ये ऊपर आंसर डिवाइड में 34 प्लस 65 सॉरी। तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया है 22.32। तो 22.32 ओम्स। अब सर्किट रिड्रॉ करना है दोबारा, बिल्कुल इसी तरह ये एक सर्किट लाइन आई। ठीक है, और ये एक रजिस्टर आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का एंड दिस इज वन रजिस्टर। तो बिल्कुल इसको सॉल्व कर लें। अब रजिस्टर में नीचे बना लेता हूँ आर इक्विवेलेंट। तो ये 20, ये 22.32, दिस इज 80। तो सिंपल इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 20 प्लस 22.32 प्लस 80। तो हम जब इसे सम करेंगे तो हमारे पास बनेगा 122.32। तो उसको देख लेते हैं एक मरतबा ताकि क्लियर हो जाए। प्लस 20 प्लस 80, 122 बन रहा है हमारे पास। और सर्किट भी एक मरतबा देख लेते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पर एक रजिस्टर और भी था जो कि हमने स्किप कर दिया, जो कि आपको याद होगा कि 20 भी था जिसे हमने यहाँ पर स्किप कर दिया, जो कि 80 के साथ सीरीज में आएगा। ठीक है, तो ये भी हमने इसको सॉल्व करना था। तो सिंपल अब मैं यहाँ पर आर
प्राइम का नाम तो दे चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर काम कर लेते हैं, आर वन प्राइम का नाम दे देता हूँ 80 प्लस 20, जो कि सीरीज में थे जो कि हमने स्किप कर दिया था, वो हो गए 100, ठीक है 100 ओम्स। तो सिंपल मैं यहाँ पर रब करके 100 कर लेता हूँ यहाँ पर भी, ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी हमारी। यहाँ पे 80 ही रखते हैं, सॉरी 100 कर देते हैं, ताकि ये एक स्टेप मुझे डायरेक्ट हो गया। यहाँ पर भी 100 कर दिया हमने, तो सिंपल आंसर के अंदर भी 20 और हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 142.32। ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। तो आपने देखा कि हमने किस तरह अपना सर्किट ट्रांसफॉर्म कर लिया इजी वे के अंदर। इसके अंदर हमें कोई मुश्किल बात भी नहीं हुई और काफ़ी इजीली हमने ये काम कर लिया। तो एक जो की पॉइंट है इसके अंदर सिंपल ये है कि आप किस तरह अपने सर्किट को देखकर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको देखें फार्मूला वगैरह याद हैं तो आपको कैलकुलेटर की भी नीड नहीं पड़ेगी, और जिसके मैथ बहुत अच्छी है वो बिल्कुल इजीली से आराम से सॉल्व कर सकेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो सवाल मैं सॉल्व करवा लूँगा इसके अंदर। थैंक यू।